नमस्कार आप सभी लोगों को। और अभी जो आगे आप वीडियो देखने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद दो चीज़ आपको लाभ मिलेगा इससे। पहला चीज़ तो ये है कि ऋषभ देव ने एक ही वीडियो में पूरे कहरवा का जितना प्रकार है सभी बता डाला है। और दूसरा ये है कि तबला अगर आप सही से प्रैक्टिस किए हैं तो ढोलक हाथ में आते ही आप प्ले करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार मैंने कहा भी, ऋषभ देव जिंदगी में ढोलक बजाया नहीं था। एक्चुअली ये लोग मेरे तीनों बच्चों ने मिलके मेरा नकल उतारते हुए एक वीडियो बना डाला, और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा ये तो कमाल हो गया भाई, तो पूरे एक ही लेसन के अंदर सारा कुछ समझा दिया। तो हालांकि साउंड क्वालिटी में कुछ डिफर हो सकता है, लेकिन ये जो उसका एफर्ट है, हमको लगता है इसको देख के आप लोग स्माइल लेके इसको देखिए और बहुत कुछ आप सीख भी सकते हैं। मतलब उसका आप रिवाइजिंग कर सकते हैं, जो पिछले दिनों मैं वीडियो बना के दिया हूँ, एक ही वीडियो में तमाम कहरवा का रिवाइजिंग कर दिया। हालांकि मेरी जानकारी में नहीं था कि वीडियो बना रहा है या वीडियो बनाएगा, हमसे पूछा नहीं। अभी ये खुद सीख रहा है तो सिखाने के लिए मैं अलाउ भी नहीं करूँगा, लेकिन मजाक में जो चीज़ बना है उसको देखिए और आनंद लीजिए और थोड़ा शेयर वगैरह कर। तो आपका स्वागत है गोपाल सिंह चैनल पे। आज मैं दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ देव है। आज मैं आपको कहरवा का हर एक पार्ट बजा के प्ले करके दिखाने वाला हूँ। जो मैं तबला पे प्ले करूँगा वो मैं नाल पे भी प्ले करूँगा। दोस्तों कहरवा में 5 पार्ट होते हैं, स्लो कहरवा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट फिफ्थ। दोस्तों आज पहले हमारा आता है स्लो कहरवा, जो है दोस्तों ये इसे प्ले किसे करेंगे, दोनों फिंगर का यूज करेंगे। दोस्तों हम इसमें कुछ चेंजिंग भी ला सकते हैं, जैसे दोस्तों इसमें हम लगी भी ले सकते हैं।
गे किताब में ये होता है कि गे किताब आप पूरे मजे से बजा सकते हैं। दोस्तों हम शुरू करते हैं गे किताब। Thank you.
बजाते हैं, जैसे हम तीसरा पार्ट करवा बजाते हैं, जैसे इसमें बज रहा है।